You're watching City News 24x7. आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज 24x7 पर। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आवाम की खिदमत में पेश होते हुए और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को और बुलंदियों पर लेकर जाने के लिए नए पोस्ट दिए गए। मोहम्मद शाह शेख डायरेक्टर और इंचार्ज तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश ने मेंबर्स को अपॉइंट किया। नेशनल एंटी क्राइम और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया में मोहम्मद आसिफ पाशा का ओहदा है। जॉइंट सेक्रेटरी इन ह्यूमन राइट्स तेलंगाना स्टेट वरम सत्यनारायण का ओहदा है। एग्जीक्यूटिव मेंबर इन ह्यूमन राइट्स तेलंगाना स्टेट रामास्वामी रविंद्र रेड्डी का ओहदा है। जॉइंट सेक्रेटरी इन ह्यूमन राइट्स तेलंगाना स्टेट मोहम्मद तस्कीन अहमद को अपॉइंट किया गया है। कोऑर्डिनेटर इन ह्यूमैनिटी पीस अफेयर्स तेलंगाना स्टेट सफिया माही प्रेजिडेंट वुमेन सेल इन ह्यूमन राइट्स तेलंगाना स्टेट। अहमद बिन मोहसिन बकुल का वाइस प्रेजिडेंट इन ह्यूमन राइट्स तेलंगाना स्टेट। शेख आमीन पिरान लीगल एडवाइजर इन ह्यूमन राइट्स आंध्र प्रदेश स्टेट। तेलुगु स्टेट इंचार्ज एंड डायरेक्टर मोहम्मद शाह शेख। आइए सुनते हैं आगे की तफसीलात। हर अहम खबरों के लिए सिटी न्यूज 24x7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। आदाब नमस्ते। मैं जो है तेलंगाना स्टेट एपी स्टेट डायरेक्टर और इंचार्ज नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया से मैं बात कर रहा हूँ। आज जो है हमारी ये टीम जो है नए से सबको हम जो है सबको जो है कार्ड आई कार्ड इशू करे हैं। ये वहाँ से आया, हेड ऑफिस से आया है और जो है इसके लिए हम सब हमारी टीम को आज हमारे तरफ से हम इन लोग को आज जो है सर्टिफिकेट इशू करे हैं। और हम सबसे बोल के बात किए हैं कि जो भी ह्यूमन राइट्स का हो और कोई क्रेम कोई जगह चल रहा है तो हम सब मिलके जो है क्रेम को ख़त्म करना है और राइट्स को साथ देना है। ह्यूमन राइट्स जो है अच्छे काम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सोशल वर्कर सफिया माही आज यहाँ पर मोहम्मद सर के पास हमको स्टेट प्रेसिडेंट एंटी करप्शन से पोस्ट मिला और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम इनका। और ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जितना भी लेडीज़ के ऊपर जुल्म हो रहा उन लोगों से सबसे हम रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पर हम लोग से आप लोग रब्ता कर सकते और जहाँ तक भी अगर आप लोग नहीं पहुँच सक रहे तो हम लोग को आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। ओके, नंबर है 8096450343। रिपीट करेंगे आप? 8096450343। सर आपका नंबर 9849094562 ये हमारा नंबर है। फिर रिपीट करेंगे एक बार? 9849094562 ये नंबर पे कोई भी हमारे से जो है फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी का भी मुश्किल है हमको सुना सकते हैं। कोई टाइमिंग नहीं, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं हमको। कितनी देर में रिस्पांस देंगे आपकी टीम? हम उसी टाइम जो है फ़ोन करेंगे, हमारी टीम को इकट्ठा करेंगे और जल्दी से जल्दी जो है कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। ये सेवा फ्री है या कोई चार्जेस लेंगे आप? नहीं, चार्जेस कुछ नहीं है, हम फ्री कर रहे हैं। हमारी टीम जो है सब मिलकर फ्री काम कर रहे हैं। एंटी क्राइम नेशनल ह्यूमन राइट्स में मेरे को लीगल एडवाइज़र का आंध्र प्रदेश का पोस्ट दिया गया है। मैं हमेशा एज ए एडवोकेट लोगों की सर्विस करता हूं। अभी ह्यूमन राइट्स में और एंटी करप्शन में ज्वाइन होकर मेरे को जो पद दिया गया, जो ऑल इन कहीं भी से भी मेरे को कोई भी कॉन्टैक्ट करेंगे उनको लीगली जितना भी मदद करना है मैं करता रहूँगा। दे कैन कॉल मी एट एनी टाइम। मेरा नंबर 9346407720। एक बार रिपीट करेंगे? 9346407720। आंध्र प्रदेश में जो भी रह रहे हैं आपसे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी। तेलंगाना के भी देखेंगे आप किसी? अगर नहीं नहीं कोई भी अगर ये करप्शन के ऊपर रहने दो, ह्यूमन राइट्स के ऊपर मेरे को कहीं से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल डू विथ आवर ऑर्गेनाइजेशन। I thank you
Shah Mohammad Bhai, who has given us legal advisor post in anti-crime and national human rights.